और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन को 10 रोज के लिए कार्रवाई से रोक दिया है। विफाक, वाजिद जिया, शहजाद अकबर, सेक्रेटरी दाखिला और इंक्वायरी कमीशन अरकान को नोटिस भी जारी कर दिया है। जवाब तलब कर लिया गया। अदालत ने हुकूमत से जवाब तलबी तक चीनी 70 रुपए किलो बेचने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीनी स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर समाप्त हुई। अदालत ने इस्तफसार किया, शुगर मिल एसोसिएशन और हुकूमत चीनी 70 रुपए किलो की जिम्मेदारी ले, शर्त मंजूर है तो आइंदा समाप्त तक हुकूमत को कार्रवाई से रोक देते हैं। चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई से रोक रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलबी तक चीनी 70 रुपए किलो बेचने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि हुकूमत से जवाब ले लेते हैं, उस वक्त तक चीनी 70 रुपए में बेचें। उमूमी तौर पर एग्जीक्यूटिव मामलात में मुदाखलत नहीं करते। मजदूर की जरूरत चीनी है, मशरूब पर सब्सिडी दी जा रही है, आम आदमी को बुनियादी हकूक क्यों नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या विफाक अदालती ऑप्शन की मुखालिफत करेगा, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती ऑप्शन की मुखालिफत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहां पर मफादे आमा का सवाल सामने आया है, जिस मकसद के लिए कमीशन बना था वो पूरा ही नहीं हुआ। कमीशन को आम आदमी को चीनी की सूरत फराहमी के लिए कुछ करना था लेकिन नहीं किया। अदालत ने 10 रोज के लिए हुक्म इम्तना जारी करते हुए नैब, FIA, SECP को मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया।